अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, हाउ आर यू? आई एम योर इंग्लिश टीचर। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले पेजेस को बहुत अच्छे से रीड किया होगा। तो आज का हमारा एक्टिव इंग्लिश का बुक का वर्क क्या होगा, पेज नंबर 67 और 68 की रीडिंग। पेज नंबर 67 और 68 की रीडिंग, ठीक है। तो आए हम आज का काम स्टार्ट करते हैं अपना। टुडे इज़ ट्यूसडे 23rd June 2020। आप बिल्कुल इसी तरह से पेज नंबर 67 पर डे मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और ईयर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखें, एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर की मदद से हम इन लाइंस को रीड करेंगे, ठीक है, इस पूरी पिक्चर की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, द वुमेन इज़ कुकिंग द डिनर। ये देखें, इस पूरी पिक्चर में एक वुमेन दी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, शी द वुमेन इज़ कुकिंग द डिनर। वुमेन मीन औरत, कुकिंग मीन पकाना, डिनर मीन रात का खाना। ये देखें, तो क्या कर रही है औरत, औरत रात का खाना बना रही है या पका रही है। औरत रात का खाना पका रही है, ये देखें, ठीक है। नंबर टू, द गर्ल इज़ हेल्पिंग हर। हेल्पिंग मीन मदद करना। ये देखें, गर्ल है, ये भी है और ये भी है, तो ये वाली लड़की क्या कर रही है, मदद कर रही है। द गर्ल इज़ हेल्पिंग हर, लड़की उसकी मदद कर रही है, उसकी मतलब यानी वुमेन की, लड़की उसकी मदद कर रही है। नंबर थ्री, शी इज़ कैरिंग अ प्लेट। कैरिंग का मतलब उठाना या लाना, ये देखें, उठाना या लाना, ठीक है। तो वो क्या ला रही है, थाली उठाई हुई है उसने या ला रही है। शी इज़ कैरिंग अ प्लेट, प्लेट मीन थाली, वो एक थाली ला रही है। नंबर फोर, द बॉय इज़ स्विचिंग ऑन द फैन। फैन मीन पंखा, स्विचिंग का मतलब चलाना। द बॉय इज़ स्विचिंग ऑन द फैन, लड़का पंखा चला रहा है, ये देखें, ये रहा। नंबर फाइव, ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। शर्ट मीन कमीज़, वेयरिंग मीन पहनी हुई या पहन रहा। ये देखें, इसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, उसने नीले रंग की कमीज़ पहनी हुई है। नंबर सिक्स, द मैन इज़ लिसनिंग टू द रेडियो। ये देखें, ये मैन है, ये क्या कर रहा है, रेडियो सुन रहा है। द मैन इज़ लिसनिंग टू द रेडियो, आदमी रेडियो सुन रहा है। नंबर सेवन, द लिटिल बॉय इज़ ब्लोइंग अप अ बैलून। ब्लोइंग का मतलब फुलाना, फुलाना, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फुला रहा है, ये देखें, ये रहा, फुला रहा है, क्या कर रहा है, ये लड़का एक बलून को फुला रहा है, हवा भरना या फुलाना, ठीक है, गुब्बारे में हवा भर रहा है या गुब्बारा फुला रहा है एक छोटा लड़का। नंबर एट, द लिटिल गर्ल इज़ क्लैपिंग हर हैंड्स। लिटिल मीन छोटी, क्लैपिंग मतलब ताली बजाना, ये देखें, ये रही, ये लड़की, तो लिटिल गर्ल का मतलब छोटी लड़की अपने हाथों से ताली बजा रही है, ठीक है। अब नीचे वाले वर्ड्स, बी ए बी वाई बेबी, बेबी मीन बच्चा, डी आई आर टी वाई डर्टी, डर्टी मीन गंदी या गंदा। नंबर थ्री, सी ए डबल आर वाई कैरी, कैरी मीन उठाना, ठीक है। पेज नंबर 67 कंप्लीट। अब आते हैं पेज नंबर 68 की तरफ। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, पिक्चर्स दी हुई हैं और हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। व्हाट इज़ उमर डूइंग, व्हाट मीन क्या, व्हाट इज़ उमर डूइंग, उमर क्या कर रहा है। ये देखें, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। नॉकिंग मीन दस्तक देना, जैसे हम दरवाज़ा बजाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दस्तक देना। ही इज़ नॉकिंग एट ऑन द डोर, डोर मीन दरवाज़ा, वो दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। ये देखें, दरवाज़ा नॉक कर रहा है ना, यानी बजा रहा है, ठीक है, वो दरवाजे को दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नंबर टू, मारूफ इज़ कमिंग आउट। ये देखें, कमिंग आउट का मतलब बाहर आना, ये बाहर आ रहा है, मारूफ इज़ कमिंग आउट, मारूफ बाहर आया है या आ रहा है, मारूफ बाहर आ रहा है। नंबर थ्री, ये बॉयज़ हैं, क्या कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग नाउ, नाउ मीन अब, लड़के अब क्या कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर अ बस, वेटिंग मीन इंतज़ार करना, दे मीन वो, दे क्यों है, क्योंकि तीन लड़के हैं इसीलिए। तो दे आर वेटिंग फॉर अ बस, वो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर फोर, व्हाट आर दे डूइंग नाउ, वो अब क्या कर रहे हैं। दे आर राइडिंग इन द बस, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना। दे आर राइडिंग इन द बस, सवार हो रहे हैं। दे आर राइडिंग इन द बस, वो बस की सवारी कर रहे हैं या बस में सवार हो रहे हैं, ठीक है। नंबर फाइव, व्हाट आर डूइंग दे डूइंग नाउ, वो अब क्या कर रहे हैं। दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, वॉकिंग मीन चल रहे, रिवर मीन दरिया, ठीक है। दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, वो दरिया के साथ चल रहे हैं।
वो दरिया के साथ चल रहे हैं। नंबर सिक्स, व्हाट इज़ उमर डूइंग, उमर क्या कर रहा है। ही इज़ पॉइंटिंग टू द चिल्ड्रन, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना, ये देखें वो बच्चों की तरफ इशारा कर रहा है। व्हाट नंबर सेवन, वेयर आर दे डूइंग, वो कहाँ हैं, वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, वो पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है, वो पिकनिक पर जा रहे हैं। आपने पेज नंबर 67 और 68 की बहुत अच्छी रीडिंग करनी है, उस पेजेस पर उसके मीनिंग राइट करने हैं और उसकी रीड करके रखिएगा, ठीक है, अच्छे से।